अच्छा जी, बहुत ही लजीज जहा कस्टर्ड साडा हो चुका है रेडी माशाल्लाह। बस सालन तैयार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਵੀਵਰਸ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਵੀਵਰਸ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤੇ ਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਯਬ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਵਲੌਗ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਡੀ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जी। मैं कर रही हूँ कुकिंग, और जिदा एक छोटे जो बच्चे को लगती है ना भूख, तो मेरा बच्चा आया बैठा है किचन में, कहता आपी जी मुझे बहुत भूख लगी है। तो जी असी आज की बना रहे हैं, शाम का खाना है, दिलावर बेटा और मलाइका बेटी बैठे हुए हैं। तो जी असी अपने व्यूअर्स नाल आज दी अपने शाम की कुकिंग कर दें फिर। तो जी तैयब बेटा हिला रहा चिकन, चिकन और जी असी नाल बना रहे हैं भिंडी, भिंडी जी मैं फ्राई करके रख दी थी पहले जी। इधर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बनया पे है, तो ये बेटा दो ना इधर जरा करके रख लो। मैं और मेरा बेटा कर रहे कुकिंग, और जी इधर बाजी नाल ही बैठे ने किचन दे विच ही। जी बाजी ने इधर दूध बॉयल कर रखा इलायची पा के, तो जी इधर मिक्स कर रहे ने कस्टर्ड, बाजी जी कस्टर्ड बना रहे हैं एक साइड पे बैठे, और एक चूल्हे ऊपर कस्टर्ड तैयार होएगा, और एक पे जी असी सालन तैयार कर रहे हैं। आने वाले तो पुत्र जी इतना ना कमा जमजा जो चिकन का दिमाग ना हिल जाए बेचारे। भाई हम कुकिंग सीख रहे हैं, आगे जाकर रणमुरीदी भी करनी पड़ती है भाई। रानुमरीदी नहीं हुंदी पागल, वो अपनी बीवी नाल प्यार दा इजहार हुंदा है। भाई बीवी के साथ प्यार का इजहार तो होता है, मगर क्या करे, जो हमारे शरीक है ना वो तो रानुमरीदी ही बोलते है ना। ओ, कोई गल नहीं, शरीका नु सड़दे रहन दिया करो, सड़दे ही रहन दे, कोई गल नहीं, लिया दे पुत मैं करा। अस्लान भाई मेरे पोते दे मुंह ते कितना पसीना आ गया है, चल जा मेरे पुत, बाहर दी हवा ले, तेरा दोस्त आया अरसलान। बाय 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 बाय। तो जी तैयब बेटे का आ गया बाहर फ्रेंड अरसलान पुत्र, मजरा हम बाहर गया आया। बाजी इधर कस्टर्ड कर रहे ने तैयार। बाजी कितने चम्मच पाए मैंगो वाला ना? चार चम्मच। चार चम्मच मैंगो वाला, बहुत प्यारी खुशबू आ रही बाजी ना। अच्छा जी, खुशबू तो याद आया मेरे एक व्यूअर्स ने, बहुत ही प्यारे, मैं उधर की कुकिंग कर रही थी भला, मैं क्या बहुत प्यारी खुशबू आ रही, तो कह रही थी खुशबू तो नहीं आ रही, अलबत्ता देखने बहुत अच्छा लग रहा है खाना ना। तो जी खुशबू हमेशा उस बंदे नूं आती है जो बंदा पका रहा होंगे। तो जी इधर मैं टमाटर जो छिल के रखे हुए हैं, बहुत ही जूसी जूसी जी भिंडियां बनाऊंगी इंशाल्लाह अज। अच्छा जी चिकन जो काफ़ी हद तक मेरा हो चुका फ्राई, एक कुंडी दूसरी असल च, तो हूँ मैं पानी भी पाना थोड़ा जहा चिकन वैसे भी। इसी तरह मैं पेस्ट जरा ऐड कर दें। अच्छा जी इधर पाए साढ़े लगे हुए तोड़न बादाम कस्टर्ड के पाने वास्ते, ये देखो जी बाजी ने भाजी की ड्यूटी लाई है बादाम तोड़न की। तो जी इधर चिकन जरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह मेरा हो चुका है फ्राई। बोटी देती हूँ आधी पक जाए फिर दूंगी, ठीक है। तो जी इधर आदि बेटा बोटी लैन वास्ते आ भी गया, किचन च खुशबू आ जाती इन्हू बिल्ली तरह बोटिया की। तो जी इधर माशाल्लाह कस्टर्ड साडा तैयार हो रहा हल्की आंच ते। ते जी बाजी इधर कट रहे ने नारियल छुहारे, छुहारे पंजाबी दा लगदा बाजी सोहने लगदे पाए हुए काले काले, ये किशमिश बाजी बहुत सोहने लगदे पाए हुए, कट के पाने, कट के छोटे छोटे पा दो ना। जी बाजी इधर मेवा तैयार कर रहे, इधर जी भाई ने बादाम भी तोड़ ले माशाल्लाह, ये ले नाज की रूबी बादाम टूट गए हैं जी माशाल्लाह। कस्टर्ड वास्ते बाजी मेवा तैयार कर रहे। तो जी इधर मेरा लजीज जहा चिकन जो हो चुका डीप फ्राई माशाल्लाह, हम थोड़ा जहा पानी पा दें। तो जी हूँ मैं करूँगी इन टमाटर ऐड। अच्छा जी टमाटर मैं छील लिया सारे माशाल्लाह। अच्छा जी टमाटर जो मैं कट लिया कर दी ऐड। अच्छा जी जो टमाटर पाए थे माशाल्लाह मेरे काफ़ी हद तक हो चुके हैं मैश, टमाटर और सब्ज़ी मिर्च में ऐड कर दिए थे। तो जी हूँ मैं ऐड कर रही हूँ हसबे ज़रूरत मसाले, नमक मिर्च हल्दी
नमक जी मैं पहले थोड़ा जहा पा लिया सी और नमक मैं उसी हिसाब नाल पा रही हूँ। अगर पहले तुसी चिकन फ्राई च नमक पा रहे हो तो प्लीज दोबारा भूलना नहीं है, नहीं तो फिर नमक तेज हो सकता है। मैं थोड़ा जहा फ्राई च पाया सीगा और थोड़ा जहा हुण मसालियां दे नाल ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जहा चिकन मेरा रेडी हो रहा, मैं बिल्कुल जूसी जूसी भिंडिया और चिकन बनाना चाह रही हूँ और इंशाल्लाह वैसे ही बनेगा। बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बन रही है भिंडिया, सख्त सख्त भिंडिया और मतलब के सख्त सख्त जो चिकन नहीं अच्छा लगता, जूसी जूसी चिकन और नाल जूसी जूसी भिंडिया हो तो बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है सालन का। तैयब बेटा और हादी बेटा आज मेरे शेर ने दोनों कह रहे क्या खुशबू है जी, खुशबू तो वाकई बहुत सोहनी आ रही माशाल्लाह। ते जी जिहड़ा चिकन का कलर और ये तुसी दसना है कि किवें लग रहा अज दे सब्जी जो मुकम्मल तैयार होएगी तो प्लीज कमेंट में लाजमी दसना है मेरे व्यूअर्स नूं और मेरे व्यूअर्स ने भी दसना कि चिकन और भिंडी किनू किनू पसंद है। और ये चिकन भिंडी जो मैं बना रही हूँ ये जी मैं बना रही हूँ अपने दमाद के स्पेशल कहने, उन्होंने चिकन भिंडी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, अज उन्होंने फरमाइश से पक रही है चिकन भिंडी। अच्छा जी माशाल्लाह मसाले सारे जिहड़े चंगी तरह भुने गए हैं, अच्छी तरह चिकन की भुनाई हो गई है। तो इस चिकन नू थोड़ा होर जूसी करने वास्ते, सालन नू थोड़ा होर जूसी करने वास्ते मैं हुण एक चीज़ होर ऐड करूँगी। साड़ी कुछ भैन ऐड कर दियां ने, कुछ नहीं भी कर दियां, लेकिन मेरे ख्याल अगर ऐड कर लो तो बहुत ही वधिया गल हो जाती है। तो जी जिहड़ी चीज़ मैं हुण ऐड करनी वह है जी दही माशाल्लाह, एक कटोरी दही, अच्छा जी जिदा कि मैं दही ऐड कर दिता है बच्चे, तो यह देखो ना ग्रेवी ग्रेवी जूसी जूसी जो हो गया। और इसी के हूँ मैं शामिल कर देनिया भिंडिया, ऐसी माशाल्लाह भिंडिया का तुम कलर चेक कर सकते हो बिल्कुल जिदा सड़िया सड़िया जहाँ सख्त भिंडिया होंगी उमें नहीं, लाइट जी मैं हल्की जी आँच के उपर बल्कि इन्हों फ्राई किया हुआ ये जी भिंडिया कर छड़िया मैं ऐड। अच्छा जिदा कि दही के नाल ग्रेवी पानी पानी तरह हो गई, इसी के भिंडिया तो ऐड की कि जो सारा टेस्ट होएगा ना इस टाइम ये इन्होंने भिंडिया के शामिल हो जाएगा। और जो मैं भिंडिया फ्राई कीतिया सी उन्होंने भी मैं हल्का जहा नमक का ना एक चुटकी पाई सी ताकि भिंडिया जो नमकीन नमकीन हो जा। अच्छा जी भिंडिया ऐड करने तो बाद फाइनल लुक देख रहे हो कि हजे जो दही का पानी थोड़ा थोड़ा पक रहा हजे ठीक है, तो इस कदर लजीज और जूसी जूसी माशाल्लाह भिंडिया बन रही ने, यह देखो जी कि यकीन जानो भी बंदा ना उंगलियां चढ़ता रह जाता है। और मेरिया भैन ने लाजमी यह रेसिपी मेरी ना ट्राई करनी है, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह इदा चिकन और भिंडी जूसी जूसी जे बनते हैं। तो जी इधर बाजी कट रहे हैं धनिया, कई लोग कहते जी भिंडिया क्यों धनिया पाने, लेकिन जी मैं तो भिंडिया भी धनिया पाँनी हाँ चिकन और भिंडिया बनावा। तो जी इधर साडा माशाल्लाह कस्टर्ड नेड़े नेड़े पहुँचे हुए, थोड़े जे असी जे मेवे से असी ऐड कर दिते हैं ताकि इन्हों का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए बिच। तो जी कुछ मेवे जोड़े वो असी रख ले फिलहाल गार्निश वास्ते, जो असी मतलब डोंगे पावे फिर ये मेवे असी उपर लगावे उन्होंने ना। अच्छा जी थोड़ा जहा धनिया मैं ऐड कर दिनी हाँ ताकि धनिया भी अच्छी तरह बिच पक जाए, क्योंकि सालन का बिल्कुल एंड है माशाल्लाह हुण मेरा सालन तैयार होने वाला है। अच्छा जी इधर रायते वास्ते पुदीना और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च की चटनी होगी रेडी। तो जी साडा हो गया माशाल्लाह रायता तैयार, तो जी माशाल्लाह साडा यम्मी जिहा रायता हो गया तैयार। तो जी इधर माशाल्लाह यम्मी यम्मी जी टेस्टी जी मेरी भिंडियाँ और चिकन हो चुके तैयार। तो जी मैं हल्की जी आँच के उपर रखा हुआ माशाल्लाह हूँ रेडी सालन साडा। तो जी इधर साडा कस्टर्ड भी माशाल्लाह रेडी हो गया बिल्कुल, तो ये परात में ना पानी ठंडा पा के रखे हुआ ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि बाजी की फ्रिज नहीं है ना इस वास्ते असी इन ठंडा करने का तरीका हूँ फिलहाल पानी रखे हुआ। तो जी इधर माशाल्लाह आटा बाजी गोलिया बाजी हूँ लगी रोटी बनाने, तो मैं जरा हूँ कर लगी हाँ कस्टर्ड की तैयारी। ये जी असं लैके आए हैं फ्रूट केक जो कस्टर्ड असं शामिल करेंगे। अच्छा जी असं पकते कस्टर्ड में मेवे पा दिते सीगे, तो बाकी जिहड़े असं मेवे रखांगे इस डिश दे विच नाल। मेवा साडा माशाल्लाह इहदे च वी पा दिता है। तो जी हुण जिहड़ा केक है ये असं पाना है विच,
अच्छा जी केक रस असि ओपन कर लिया है। अच्छा जी फ्रूट केक दे जड़े ना इस तरह स्लाइसेस तो बने हुए लेकिन मैं इन्होंने मजीद छोटा करना चाहूंगी। अच्छा जी फ्रूट केक्स ते माशाल्लाह मैं छोटे छोटे पीसेस कर ले। इधर नाल नाल ताजी ताजी रोटी बन रही है माशाल्लाह। अच्छा जी कस्टर्ड माशाल्लाह मैं पा रही हूँ डोंगे दे विच ते जी हुण इहदे च पा दिंदे आ असीं केक रस। अच्छा जी केक रस तो बाद एक दफा फिर कस्टर्ड। लो जी माशाल्लाह साडा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। कुछ थोड़ा जैसे गार्निश वास्ते बजी दबा दिता बस माशाल्लाह हो गया। बजी किशमिश लेके आए हो? अच्छा जी साढ़े कस्टर्ड किवें लग रहा प्लीज वीवर ने लाजमी दस मैम। अच्छा जी बहुत ही लजीज जहा कस्टर्ड साडा हो चुका रेडी माशाल्लाह। बस हम रोटी पक रही है उस तो बाद खाना लगाने मेहमाना वास्ते दिलावर बेटा और मलाइका बेटी वास्ते स्पेशल खाना बना रहे हैं। अच्छा जी माशाल्लाह साडा सालन और साडा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है रोटी बाजी बना रहे हैं बस खाना सर्व करते हैं और अपने व्यूअर्स नाल भी शेयर करते हैं। अच्छा जी दस्तरखान माशाल्लाह नीचे असी लगा दिता है। भैन जी थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं बर्तन रखने विच। भैन जी इन्हू थोड़ा सीधा कर दो इस ट्रे में रखो मैं फिर खाना ले आवा नाल। क्या कह रहे हो हदी? अभी देना है तुझे खाना क्यों नहीं देना? तुम भी दावर भैया और मलाइका आपी के साथ बैठ के खा लेना ठीक है। पहन देखो रुसिया बैठा कर मुझे नहीं देना था ना। अच्छा जी मैं हूँ पा लेनी हूँ सालन डोंगे दे विच माशाल्लाह। लो जी सालन भी पा लिया माशाल्लाह डोंगे च प्लेट्स भी रेडी ने। अच्छा जी माशाल्लाह गर्मा गर्म रोटी भी साड़ी होगी रेडी तो हूँ मैं लेके चलती हूँ बच्चों को रोटी। अब्दुल्ला बेटा ये मैं लेके जाती हूँ और ये प्लेटें और रायता तुम ले आओ ठीक है। अच्छा जी माशाल्लाह खाना साड़ा सारा लग चुका है। पाइन जी तुसी भी बेटियां दे नाल खाओ। अहमद बेटा हादी को दिलावर आपने खाना नहीं देना बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दिलावर कैसे हो बेटा? हाँ जी मैं ठीक हूँ बेटा। ये भाई मुझे पता चला था कि आपको बहुत पसंद है भिंडी चिकन तो ये आपके लिए मैंने स्पेशल बनाया है ठीक है। देते हैं भाई। चलो जी माशाल्लाह खाना बच्चे खा रहे ने। किला भी दो अब दिलावर। माशाल्लाह अल्लाह पाक जी थोड़ा प्यारे में सलामत रखे बच्चे। दिलावर भिंडियां कैसी बनी है? थैंक यू बेटा। और ये जो कस्टर्ड है ये आपकी मामा ने बनाया है और इसकी तैयारी जो आपकी मासी ने की है ठीक है। हाँ जी जी जी। अच्छा जी माशाल्लाह खाना बहुत ही पसंद आया साडे मेहमानां नूं ते जी मैं उम्मीद करती मेरे तमाम व्यूअर्स नूं भी मेरी अज दी वीडियो चंगी लगी होगी और अज दी कुकिंग भी। जी अगर साडी अज दी वीडियो चंगी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है। दुआ में याद रखना इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे नाल। तब तक इजाजत चाहनी है। अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह।